हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बारीक पतली और बहुत सुंदर झालर बनाना सिखाऊंगी आपको, जो कि मात्र 2 गोले ऊन में आराम से बन जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगी। और फ्रेंड्स, इसे आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनाएंगे और ये बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, कुछ नए सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तोरण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तोरण पट्टी बनाएंगे, इस तरह से पतली सी, जो कि मैंने सिंपल बनाया है, सिर्फ 6 चेन लेके बनाया है इसे। आइए मैं दिखाऊं, पहले 6 चेन बना लेंगे, फिर इसको एक दो तीन चार पाँच डबल क्रोशिया से बनाएंगे। ये हो गया जैसे हमारे सिंगल चेन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से। जब ये हम 5 चेन लेंगे ना, तो फिर हम 3 चेन एक्स्ट्रा लेते हैं, 1 2 3, फिर हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, 2 3 3, ये हुआ 4 5, ये हो गए 5 डबल क्रोशिया। इस तरह ये झालर बनाने के लिए ना, आपको ये पतला ही रखना होगा, नहीं तो ज़्यादा चौड़ा करने से डिज़ाइन पतला हो जाएगा और डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और 1 4, इसी तरह से 3 चेन 4 डबल क्रोशिया। जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप ये बना सकते हैं। अगर आपको पतले में कोई और डिज़ाइन आती हो तो वो भी डाल सकते हैं, नीचे का डिज़ाइन बाद में मैं बनाती हूँ। ये डिज़ाइन डालने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन डालना होता है। पहले कहीं भी देखेंगे तो 6 ही मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस 6 डिज़ाइन से ये इसकी दूरी तय होती है इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ डिज़ाइन इधर कंप्लीट किया हुआ, ये रहा मेरी डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हुई है इस पर। फिर मैं यहाँ से ले आके इस साइड में, मतलब 1 1 2 3, बहुत दूर नहीं करेंगे नहीं तो डिज़ाइन खींच जाएगा, 3 4 4 हो गया, और 1 यहाँ 5,
और एक यहाँ छः, छः हो गया ये दूरी। फिर हम एक दो तीन चार, एक पाँच, पाँच चेन बनाया मैंने, एक दो तीन, तीन के अंदर से यहाँ से जाके मैं यहाँ से खींच लूँगी इस तरह से, और फिर यहाँ एक दो तीन, तीन चेन मैंने बनाए इस तरह से, फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाऊँगी इसी होल से, एक दो दो तीन तीन चार और एक पाँच, पाँच हुआ। अब फिर हम एक दो तीन चेन, फिर यहाँ फर्स्ट वाला जो है यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से खींच लेंगे अंदर की साइड, एक मिनट, एक दो तीन, तीन बनाया था मैंने, ये मैंने किया यहाँ से खींचा, इसको पकड़ लेंगे नहीं तो ये ना छोटा हो जाएगा, गोल हो जाएगा इस तरह से। फिर हम तीन चेन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर हम यहाँ से इस तरह से लिए लूप, फिर इस होल में जो तीन चेन का होल था यहाँ से इस तरह से लिए, फिर पहले एक में से निकालेंगे, फिर दूसरे में से, फिर यहाँ से तीसरे में से, ये हो गया। फिर हम यहाँ ऐसे सावधानी से पकड़ेंगे, फिर इस तरह से लेंगे लूप, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार और एक पांच बार, पांच बार हुए हैं। फिर हम इसको इस तरह से खींच के यहाँ ले आएंगे एक के पास, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, और इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, और ये जो मैंने यहाँ से किया है दो, एक और एक दो, यहाँ से लिए और इसको यहाँ से इस तरह से खींचे, फिर हम यहाँ इसे सावधानी से पकड़ेंगे, फिर एक लूप लेंगे, फिर यहाँ जहाँ से मैंने ये होल है यहाँ इस तरह से लिया, पहले एक में निकाला, पहले एक में, फिर दूसरे में से, फिर ये तीसरे में निकाला, फिर मैं तीन चेन बुनूंगी, एक दो और एक तीन, फिर यहाँ आके हम इसी होल में इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ऊपर का पोर्शन ये वाला रेडी हो गया। अब फिर यहाँ से हम एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया यहाँ से हम बनाएंगे, एक एक हो गया, दो तीन और एक चार, चार। अब फिर हम यहाँ से दो चेन लेंगे, एक दो, फिर ये, फिर यहाँ आके हम पहले
सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर हम अगले नेक्स्ट वाले में जाएंगे। यहाँ से हम फिर आएंगे आप सामने, एक बनाएंगे, पास पास ही बनाना, ज़्यादा दूर नहीं, नहीं टन जाएगा। दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, और ये यहाँ छः, छः में डिज़ाइन रेडी होता। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है, देखने में बहुत सुंदर होगा। फिर हम वही पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार, एक पांच, एक दो तीन, तीन के इसमें से निकालेंगे। यहाँ से इस तरह से फिर ये गोल राउंड हो गया। फिर हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर वे डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन एक चार और एक पाँच, पाँच हो गया। अब फिर हम यहाँ से तीन चेन, एक दो तीन, फिर यहाँ से लेंगे और इसको आप पकड़े रहिएगा सावधानी से, नहीं तो टन के छोटा हो जाएगा इस तरह से। फिर हम तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। अब हम यहाँ से इस होल में से जो होल है यहाँ से इस तरह से लिए, लेकिन हम इसको डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, ऐसे सिंगल करके ले जाएंगे। पहले एक, फिर दो और ये तीन, ये हुआ। अब हम यहाँ से एक दो तीन चार और एक पाँच, ये इस तरह से निकालें और यहाँ से खींच लिए। फिर एक दो तीन, अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप रिपीट करके वापस देख सकते हैं। फिर हम यहाँ से फिर यहाँ सावधानी से इस तरह से किए, फिर यहाँ से खींच लिए, ये हो गया गोल। फिर यहाँ से हम एक लूप लिए और सेम इस जगह से आके यहाँ, फिर हम पहले सिंगल से निकालेंगे, एक से, फिर दो से और फिर तीन से। फिर हम एक दो तीन, तीन चेन लिए, यहाँ आके जोड़ दिए इस तरह से, देखिए रेडी हो गया ये वाला। अब हम यहाँ से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से एक दो तीन तीन एक चार, चार डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर दो चेन, एक दो, फिर यहाँ हम आके सिंगल डबल सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिए और फिर नेक्स्ट डिज़ाइन की साइड चले जाएंगे। यहाँ एक दो और ये तीन, एक चार, एक पाँच,
और ये छी में डिज़ाइन हो जाएगी हमारी। देखिए फ्रेंड इस तरह से आप ठीक करके और खूब सुंदर से लगा सकते हैं। देखिए